हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जनरल न्यूज़। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ मस्त और मजे में हैं। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक होम रेमेडी। आपको पता है होम रेमेडी जब भी वीडियो आती है तो मेरी जो वीडियो होती है वो या तो आपके किचन के इंग्रेडिएंट होते हैं या फिर दो या तीन इंग्रेडिएंट से ज्यादा मैं कभी भी होम रेमेडी नहीं बताती। तो दोस्तों विंटर स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो विंटर्स में बहुत सारे लोगों को नी पेन हो जाता है या फिर जॉइंट पेन हो जाता है, उससे रिलेटेड आज ये वीडियो है। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जॉइंट्स जो होते हैं, जैसे नी हो गया तो वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, स्पेशली विंटर्स में ऐसा ज़्यादा होता है। तो इसकी क्योर के लिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या क्या रेमेडीज़ है। तो पहली रेमेडी जो है, तो दोस्तों इसमें आपको क्या चाहिए, सिर्फ अदरक चाहिए आपको। अदरक जितनी आप चाय में डाल के पीते हैं उतने ही एक गिलास पानी में अदरक लीजिए, उसे अच्छे से कूटिए और पानी में अच्छे तरह से अदरक को गर्म कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि नींबू और शहद मिलाकर इसको गुनगुना गुनगुना पी सकते हैं। अदरक में क्या होता है दोस्तों, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि आपके घुटनों के दर्द को, सूजन को कम करने में बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब रहते हैं। दूसरी जो दोस्तों चीज़ है वो है मेथी दाना। मेथी दाना में आप क्या कर सकते हैं, आप इसका पाउडर बना के रख लीजिए। पहले मेथी दाना का पाउडर बना के रख लीजिए, फिर जब भी आप खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद आप क्या करिए कि एक गुनगुना पानी लीजिए और उसमें एक चम्मच मेथी दाने का डालिए और अच्छे से मिक्स करके उसको पी जाइए। बहुत ज़्यादा कारगर ये रेमेडी है और घुटनों के दर्द में और जो भी आपके जॉइंट पेन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा असर दिखाती है, बिल्कुल कम कर देती है, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। थर्ड जो रेमेडी है दोस्तों हमारी, वो तुलसी पत्ते से रिलेटेड है। यानी कि जब भी आप मॉर्निंग में जब भी उठते हैं तो आप क्या कीजिए कि एक कप पानी लीजिए और उसमें 5-6 तुलसी के पत्ते डालिए, अच्छे से गर्म कीजिए। जिस तरह हम चाय को उबालते हैं उस तरह आपने इस पानी को उबाल लेना है और इसको आपने पी जाना है डेली। अगर आप ऐसा करते हैं, नियमित रूप से अगर आप इस रेमेडी को फॉलो करते हैं, तो आपका जो ये जॉइंट पेन है या किसी भी तरह के जो पेन होते हैं बॉडी से चले जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जिनको ज़रूरत है उन तक ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।